रहमान रहीम हम डिस्कस करें सेकेंड ईर एफ एस का मैथ प्रीवियस लेक्चर्स में से हम चैप्टर नंबर फोर डिस्कस कर रहे हैं उसका सबसे अहम टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस अब डिस्कस करते हैं कि दो लाइंस के दरमियान एंगल कैसे फाइंड करते हैं हमारे पास थोड़े में उसकी स्टेटमेंट है लेट एल एंड एल बी टू नॉन वर्टिकल लाइन्स सच दैट दे आर नॉट परपेंडिकल टू ईच अदर इफ़ एम एंड एम आर स्लोप ऑफ लाइन एल एंड एल टू रेस्पेक्टिवली दैन एंगल थीटा फ्राम लाइन एल वन टू लाइन एल टू इज़ गिवन बाई टेंजन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन ओवर वन प्लस एम वन एम टू देखें यहाँ एम वन जो स्लोप है ये हमारे पास है स्लोप ऑफ लाइन एल वन को शो करती है एम टू हमारे पास जो है स्लोप ऑफ लाइन एल टू को यहाँ शो करती है जो हमारे पास एंगल थीटा है वो एंगल है बिटवीन एंगल बिटवीन लाइन एल वन एंड एल टू जो एंगल अल्फ़ा वन है वो लाइन एल वन के साथ बन रहा है जो अल्फ़ा एंगल है वो लाइन एल टू के साथ बन रहा है तो हमने साबित करना है जो दो लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है वो बराबर है एम टू माइनस एम वन ओवर वन प्लस एम वन एम टू ये हमारे पास लाइन एल वन है ये हमारे पास लाइन एल टू है देखें जो लाइन एल वन के साथ एक्सा के साथ एंगल बना रही है वो क्या है अल्फ़ा वन है इसी तरह जो लाइन पॉस्ट एक्सा के साथ एंगल बना रही है एल टू के साथ वो एंगल क्या है अल्फ़ा टू इन लाइन एल वन और एल टू के दरमियान जो एंगल है वो क्या है थीटा। आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि बरूनी एंगल ऑपोजिट यानी बरूनी यानी एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल यानी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या है अल्फ़ा टू है आप देखें देखिए इसके दो ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल हैं अल्फ़ा वन प्लस थीटा अगर आप देखें थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा वन तो अगर आपको याद हो आपने पढ़ा था कि स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है एम इजिकल टू टेंजेंट अल्फ़ा ये हमने एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री से पहले पढ़ी थी अगर आपके पास एंगल अल्फ़ा है तो टेंज अल्फा किसके बराबर हमारी स्लोप है एम वन के अगर आपके पास एंगल टू होगा अल्फा टू उसकी स्लोप किसके बराबर है एम टू के जिसको हमने लिखा था एम वन स्लोप ऑफ लाइन एल वन एम टू कहा था हमने स्लोप ऑफ लाइन एल टू जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन है वो ये है कि एक्सटीरियर एंगल यानी जो बैरूनी एंगल है वो ऑपोजिट दो अंदरूनी एंगल के साम के हमेशा इक्वल होता है तो इसका मतलब हमारे पास जो फिगर है उसे क्लियर है कि अल्फ़ा टू इज़ टू अल्फ़ा वन प्लस थीटा इधर माइनस कर दें थीटा इज़ टू अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा वन दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर दें टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा वन आपने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर वन प्लस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा फार्मूला अप्लाई करें टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर वन प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट थीटा अब आप गौर करें आके पास देखें जो स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ लाइन एल टू है वो एम टू किसके बराबर है टेंजेंट अल्फ़ा टू देखें टेंजेंट अल्फ़ा टू की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं एम टू और टेंजेंट अल्फा वन की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं एम वन ओवर वन प्लस अल्फा वन की जगह पे एम वन टू एम टू टेंजेंट थीटा तो देखें टेंजेंट थीटा हमारे पास एम टू माइनस एम वन ओवर वन प्लस एम वन एम टू देखें जो इसका सबसे अहम जो बात क्लियर करने वाली आपकी है देखें लाइन आपको पता है कि एक लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं अगर आपके पास एंगल यानी अल्फ़ा क्या है इनकलनेशन अगर आपके पास इंकलेशन गिवन है तो क्या करें आप उसका बन ले वो स्लो अगर देखें लाइन एल वन है तो उसका एंगल क्या है टें, टें अल्फा किसके बराबर होता है एम वन के इसका इनकलेशन क्या है टू तो टेंजेंट अल्फा टू किसके बराबर है एम टू के क्योंकि आपने डिस्कस किया था कि एम बराबर होता है टेंजेंट अल्फा के तो ये हमारे पास का प्रूफ था हमने प्रीवियस अभी हमने प्रूफ किया है टेंजेंट थीटा एम टू माइनस एम वन वन प्लस एम वन एम टू देखिए यहाँ दो लाइन के दरमियान एंगल थीटा था हमारे पास पहला नोट है इफ एल वन पैरल टू एल टू अगर दो लाइनें पैरल हों ये हमारे पास लाइन एल वन है ये लाइन एल टू है अगर दोनों लाइनें पैरल हैं उनके दरम्यान जो थीटा है वो क्या होगा इफ L1 L2, जीरो इफ़ एल वन पैरल टू एल टू दैन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो डिग्री तो पुट करें टेंजन थीटा एम टू माइनस एम वन ओवर वन प्लस एम वन एम टू टेंजेंट थीटा आप देखें थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या ज़ीरो इजिकल टू एम टू माइनस एम वन ओवर वन प्लस एम वन एम टू टेंजेंट ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है ज़ीरो एम टू माइनस एम वन ओवर वन प्लस एम वन एम टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आंसर ज़ीरो एम टू माइनस एम वन इसको जरा पॉजिटिव कर दें एम वन टू एम टू नोट कर लें अगर दो लाइनें पैरल होंगी उनकी स्लोप हमेशा इक्वल होगी रिजल्ट नंबर टू है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर अगर दो लाइनें क्या हों परपेंडिकुलर हों उनके दरमियान जो थीटा होगा वो 90 डिग्री देखें ये लाइन L1 है ये लाइन L1, ये लाइन L2, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है नाइन्टी डिग्री टेंजेंट 90 डिग्री इक्वल टू एम टू माइनस एम वन वन प्लस एम वन एन टू एम टू मैंने क्या किया अब जगह पे मैंने किसकी वैल्यू पुट कर दी 90। टेंज 90 क्या होता है इन्फिनेटी एम टू माइनस एम वन ओवर वन प्लस एम वन एम टू इनफिनिटी को मैं लिख सकता हूँ वन ओवर ज़ीरो एम टू माइनस एम वन ओवर वन प्लस एम वन एम टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वन प्लस एम वन एम टू इज इक्वल टू ज़ीरो एम वन एम टू ये तो जाकर क्या हो जाएगा माइनस वन एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन नोट कर लें अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस वन के बराबर आएगी हम आम डिस्कस कर एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर उसका क्वेश्चन नंबर टेन है फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एल वन एंड एल टू देखें हमें लाइन वन गिवन है और लाइन हमें टू एल टू गिवन है तो देखें जहा भी आप दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करेंगे तो फार्मूला हमेशा यही होगा टेंजर थीटा एम टू माइनस एम वन ओवर वन प्लस एम वन एम टू जहाँ भी दो लाइनों के दरमियान एंगल फाइंड करना हो तो आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे तो देखें पहले स्लोप निकालें स्लोप ऑफ लाइन एल वन जिसको हमने नोट किया था एम वन से देखें अगर आपके पास दो पॉइंट हों देखिए यहाँ दो पॉइंट्स हैं तो हमेशा फार्मूला लगाएंगे y2 टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन तो निकालें स्लोप m1 y2 वाई टू टेन माइनस एवन देखिए वाई में से y माइनस कर दें और x में से x को माइनस टेन माइनस एवन सेवन माइनस टू सेवन माइनस टू तो क्या आ गया थ्री ओवर फाइव तो नेक्स्ट स्लोप ऑफ एल टू जिसको हमने नोट किया था एम टू से देखिए वाई में से वाई को माइनस कर दें सेवन माइनस वन और एक्स में से एक्स को माइनस कर दें फाइव माइनस थ्री नेक्स्ट पॉजिटिव सेवन प्लस वन ओवर टू एट ओवर टू के आंसर आ गया फोर तो एम वन की वैल्यू हमारे पास थ्री ओवर फाइव एम टू की वैल्यू क्या आ गई फोर फार्मूले में रिप्लेस कर दें टेंजेंट थीटा एम टू फोर माइनस थ्री ओवर फाइव ओवर वन प्लस फोर इन टू थ्री ओवर फाइव ले एल्शियम फाइव ट्वेंटी माइनस थ्री नीचे भी एल्सीय लें क्या आ गया फाइव फाइव प्लस ट्वेल्व फाइव से फाइव कैंसल टेंजेंट थीटा इजिकल टू सेवनटीन ओवर सेवनटीन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वन तो थीटा हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इन वर्स वन तो आपको पता है कि टेंज इन वर्स वन किस वैल्यू होती है फोटी फाइव यानी पन्तालीस डिग्री की पाई बाई फोर लिख लें रेडियम में या फोर्टी फाइव डिग्री लिख लें हमेशा अगर आपने दो लाइन्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो हमेशा ये फार्मूला यूज़ करेंगे अगर आपके पास लाइन के पॉइंट्स गिवन है दो पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप का निकालेगा यही फार्मूला हम हमेशा यूज़ करते हैं